subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई जिसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं। मुंबई लोकल जिसे मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है। मुंबई लोकल में रोज लाखों लोग सफ़र करते हैं, पर कुछ लोग ये सफ़र पूरा नहीं कर पाते और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी शहर में रहने वाला व्यापारी मिस्टर गिरीश, मिस्टर गिरीश की एक होलसेल की दुकान थी दादर में। जोगेश्वरी में रहने वाले ये व्यापारी रोज़ाना अपना सफ़र इन्हीं लोकल ट्रेन से किया करते थे। एक दिन उन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते एक रोज़ाना गिरीश अपने दुकान पर थे। रात काफ़ी होने की वजह से उनकी लास्ट ट्रेन भी मिस हो गई। इसके चलते उन्हें टैक्सी ही ऑप्शन बचा था। तब वो वहाँ से निकले और लकीली उन्हें टैक्सी भी मिल गई। उन्हें सिगरेट पीने की आदत थी, जिस वजह से टैक्सी में बैठने के बाद उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या वो टैक्सी में सिगरेट पी सकते हैं। ड्राइवर की सहमति पर जब उन्होंने जेब से सिगरेट का बॉक्स निकाला तो उन्होंने देखा उस बॉक्स में अब एक भी सिगरेट नहीं बची थी, वो बिल्कुल खाली थी। उन्होंने सोचा वो स्टेशन पे ही उतर के वहाँ से सिगरेट ले लेंगे। देर रात तक काम करने की वजह से उन्हें भूख भी काफ़ी लग गई थी। स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाया, पर वहाँ भी कुछ नहीं था, ना ही दुकान वाला, ना ही और कुछ। उसके बाद वो स्टेशन की गलियों में गए। वहाँ कुछ आगे जाने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो एक साइड में बैठा था और बैठे हुए बीड़ी की कश लगा रहा था। गिरीश तुरंत ही वो आदमी के पास गए और उनसे पूछा कि भाई साहब, मुझे कुछ सिगरेट चाहिए था, क्या बता सकते हैं मुझे कहाँ से मिल सकती है? उस इंसान ने गिरीश को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला कि स्टेशन के उस पार चले जाओ, वहाँ आपको एक साइकिल वाला दिखेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। गिरीश ने उन्हें शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गए। आगे जाते जाते सोचा, अभी तो काफ़ी रात हो गई है, अभी तो ट्रेन्स भी बंद हो गई है, तो मैं पटरियों को पार करके चला जाता हूँ। लेकिन गिरीश इस बात से अनजान थे कि उनका ये कदम कभी भुलाया नहीं जा सकता। खैर, वो पटरियाँ पार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। पहली पटरी पार करते ही जब उनका ध्यान आगे की तरफ गया तो देखा सामने से भी कुछ लोग आ रहे थे। ये सब देखकर उनके मन को शांति हुई कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, और वो आगे बढ़ने लगे। आगे जाते आते उन्होंने देखा सामने से आते हुए लोग में से दो लोग पटरियों की तरफ अचानक मुड़ गए और पटरियों पर चलने लगे। ये सब देखकर उनको बड़ी हैरानी हुआ कि ये कहाँ जा रहे हैं। पटरियों पे चलकर देखते देखते वो लोग कुछ दूर तक गए और आगे जाकर दीवार के करीब खड़े हो गए। वहाँ लाइट की कुछ कमी थी, जिस वजह से वो दोनों ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से खड़े थे ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पेशाब कर रहे हो। ये सब देखकर वो थोड़ा हंसे और सोचे मैं भी कर ही लेता हूँ। तो वो भी पटरियों को पार करके वहाँ से पहुँचे तो देखा वो लोग अभी तक वैसे ही बिना हिले डुले पत्थर की मूरत जैसे खड़े थे, और वो दोनों की हालत पीछे से कुछ खास नहीं लग रही थी। बहुत ही पुराने फटे फूटे गंदे कपड़े उनके शरीर पर था। गिरीश ये सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए थोड़ा आगे गए और वो भी पेशाब करने के लिए वहाँ खड़े हो गए। जैसे ही वो वहाँ टॉयलेट करने के लिए खड़े हुए कि अचानक वहाँ बहुत तेज गंध आने लगी। उन्होंने झट से अपना हाथ अपने नाक पर रखा, पर गंध इतना तेज था कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक से पत्थर उनके ऊपर आया। पत्थर देखते ही हैरानी से सोचा, यहाँ तो कोई नहीं है जो उन्हें पत्थर से मारने की कोशिश करे। वो तुरंत ही बाईं की तरफ मुड़कर देखे और देखा तो अब वो दोनों वहाँ पर नहीं थे।
इस घटना से वो थोड़ा घबरा सा गए, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वहां से निकलने को हुए ही थे कि ऐसा लगा जैसे उन पर पीछे से कोई टॉर्च मार रहा हो। वो तुरंत ही पीछे मुड़े। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा एक रोशनी जो सीधा उनकी आंखों से टकरा रही थी। तो उन्होंने आवाज देते हुए पूछा, कौन है उधर? लेकिन मानो तो उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ हो। वो सोचे, आगे जाकर देखता हूं, पर गिरीश की मानो तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं जाना चाहते हो, लेकिन उनके पैर खुद से चल रहे हो। वो जितना रोशनी के करीब जाते, रोशनी उतना ही पीछे चला जाता। कुछ दूर चलते ही उनका पैर किसी चीज से टकराया और टकराने की वजह से हड़बड़ाए। हड़बड़ाने के साथ ही वो गिरने ही वाले थे कि वो कैसा ना कैसा करके अपने आप को गिरने से बचा लिया। ऐसा होते ही उन्हें लगा जैसे अभी वो नींद से जागे हो। उन्होंने पाया वो काफी अंदर आ चुके हैं इन पटरियों के बीच। जब उन्होंने यहां वहां नजर घुमाया तो देखा उनके करीब पटरियों पर एक बॉडी पड़ी थी जो बहुत बुरी हालत में थी, और ये वही बॉडी थी जिसे कुछ समय पहले टकराकर गिरने वाले थे। वो ये सब देखते ही डर के मारे हड़बड़ाकर गिर गए। गिरते ही वो तुरंत उठे। उठने के बाद जो उन्होंने देखा जिससे वो और डर गए, उन्होंने देखा उनके कुछ दूरी पर जो बॉडी पड़ी थी अब वहां कुछ भी नहीं है। ये देखते देखते थोड़ा शांति हुए थे कि उन्होंने देखा उनके कपड़े फट से गए थे और हाथ पैर में कुछ चोटें भी लगी थी। इस घटना के तुरंत बाद ही उनके दिमाग में पता नहीं क्या सोची कि वो अपना मोबाइल निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाले। हाथ डालते ही न जाने ऐसे लगा जैसे बहुत सारे कांच के टुकड़े, प्लेट और नुकीली चीजें उनकी जेब में हो और वो सारी चीजें हाथ में घुस गई हो। बहुत ही तेज दर्द के साथ जब उन्होंने अपना हाथ निकाला तो देखा उनका हाथ पूरा खून से भीग गया है और हाथ से बहुत खून निकल रहा है। अब वो इतना डर गए कि किसी भी हालत में यहाँ से निकलना ही है। वो तुरंत अपने हाथ का बहता हुआ खून अपने शर्ट में पोंछे और कहराते हुए तेज रफ्तार से वहाँ भागने की कोशिश करते हुए वहाँ से निकलने लगे। लेकिन उनके पैर का चोट जो गिरने की वजह से लगा था वो चोट उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा था। लेकिन वो हार नहीं माने और जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करने लगे कि तभी अचानक से टॉर्च की रोशनी पीछे से उन पर पड़ी। लेकिन उन्होंने इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन डर के मारे एक पुतले की तरह जम से गए। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे फिर से पूरे हवा में सड़ी गली सी गंध फैल गई हो। इसी बीच उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रोशनी धीरे धीरे उनके करीब आते जा रही थी। वो लाख कोशिश करते हुए भी अपने पैर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तब घबराते हुए मन से वो पीछे मुड़े। मुड़ते ही वो रोशनी वहां रुक सी गई। वो उस रोशनी को देखते ही रह गए। तभी उन्हें महसूस हुआ अब कदमों की आवाज पीछे से आने लगी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थरों पर अपने धीमे धीमे कदमों से चल रहा हो। धीरे धीरे कदमों की आवाज तेज होने लगी और कुछ ही पल में बहुत करीब आ गई हो। इतना करीब कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रहा था। गिरीश तुरंत ही घबराकर थोड़ा आगे होते हुए पीछे मुड़े कि एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई और वो आवाज इतनी जोर की थी कि किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। और वो अचानक से हुए इस घटना के साथ पटरियों पर गिर गए और वहीं भी होश हो गए। इसके बाद उनके कानों में बहुत सारे आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने जब अपनी आंखें खोले तब उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और उनके सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। उनका सर काफ़ी भारी भारी सा लग रहा था। उन्होंने एक नज़र से सबको देखा और फिर खुद को देखा। खुद को देखते ही उन्होंने रात की घटना याद आई तो उन्होंने देखा गिरने की वजह से जो उनके कपड़े फट से गए थे अब बिल्कुल ठीक थे
और ना ही खून लगा था जो उनके द्वारा हाथों से टपकती खून को पोंछा गया था, और ना ही उनके हाथों को कुछ हुआ था। बस उनके शरीर दुख रहे थे जो शायद गिरने की वजह से था, और उनका सर भारी भारी सा लग रहा था। आज उस बात को 6 साल हो गया, पर आज भी जब इस घटना के बारे में सोचते हैं तो ये समझ नहीं पाते कि वो रात आखिर सच था या सपना।